स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। और इसमें अगर हम देखें कि हमें पता करना है इनमें से कौन सा ऑड है, यानी कि इन चार में से कौन सा डिफरेंट है। तो आप देखिए, यहाँ पर ई से एच में अगर हम बात करते हैं, तो ई से एच में जब बात करते हैं तो ये 5 3 8 यानी +3 हो रहा है, जबकि एच से आई +1 है और आई से के +2 है। फिर देखिए, एल से एन की बात करें तो +2 है यहाँ पे, एन से ओ +1 और ओ से क्यू +3 है, तो +2 है। ठीक है, तो ये +3 +1 +2, ये +2 +1 +2 है, जबकि यहाँ देखिए +3 +1 और +2, ए डी +3 +2 है ना, डी ई +1 बेटा +1 और ई जी +2। तो ये और आपका ऑप्शन ए सेम है, बट बेटा बी ऑप्शन आपका डिफरेंट है, यानी यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाई कौन सा इसमें से ऑड है। तो आप देख सकते हो इसमें से जो ऑड है ना, जैसे हम बात करें कि एक का क्यूब ले लीजिए, 8 जो है 2 का क्यूब है, 64 जो है वो 4 का क्यूब है, लेकिन 65 ये ना तो क्यूब है ना स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है, यही ऑड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है आपका स्नूकर टेबल टेनिस बैडमिंटन बिलियर्ड। तो देखिए, स्नूकर टेबल टेनिस और बिलियर्ड ये तीनों ही टेबल पे गेम खेलने वाले हैं, लेकिन बैडमिंटन के लिए कोर्ट होता है ना, इसलिए ये इन तीनों से डिफरेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं तो यहाँ पर हमको दिखता है कि अगर हम देखें देखिए एल एम एन ओ, ठीक है ना, फिर आप देखें तो इधर M है लास्ट में। अब देखिए यहाँ पर देखिए अगर हम, तो ओ से ओ ये नहीं बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ देखते हैं, इस वाले सी को देखते हैं, TUV W है ना, और ये भी कह सकते हो यहाँ से W से U अगर आ जाओ तो -2 कर दीजिए, क्या दिक्कत है ना। ये देखिए OPQR, R में -2 कर दिए, P आ गए। देखिए LMNO, O में -2, M आ गया, लेकिन यहाँ ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करे पेन कागज मार्कर हाइलाइटर, इनमें कौन सा डिफरेंट है। तो पेन से लिखा जाता है, मार्कर से भी हम लिखते हैं, हाइलाइटर से भी लिखने का ही काम करते हैं, बट ये कागज़ पर लिखते हैं, कागज़, ये तीनों चीज़ें कागज़ पर लिखने में काम आती है, इसलिए कागज़ डिफरेंट हो गया, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पतलून कोट कमीज जैकेट, इनमें से कौन सा अलग है। तो कोट बॉडी के अपर पार्ट में पहना जाता है, कमीज भी ऊपर पहनी जाती है, जैकेट भी पहनी जाती है, लेकिन पतलून बेटा ये लोअर पार्ट में पहना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नाक कान जीभ दांत, इनमें से कौन डिफरेंट है। तो नाक हो, कान हो, जीभ हो, ये तीनों सेंस ऑर्गन में आते हैं, बट टीथ सेंस ऑर्गन में नहीं आता, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट बेटा, इसमें हम देखें तो एल एम एन, ठीक है, यहाँ देखिए अगर हम देखें तो एम एन, देखिए एम एन ओ
यू आर एस एक्स वाई जेड, अब इन तीनों में देखिए सेम पैटर्न फॉलो हो गया, इसलिए हमारा डिफरेंट कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में बात अगर करें, तो 125 आई थिंक 5 का क्यूब हो गया, 343 7 का हो गया, और जो है अगर हम बात करें 729 है ना, तो ये भी जो है अगर हम देखें ये 89 81 इंटू 9 है ना, तो ये भी बेटा आपका क्या है 9 का क्यूब है, बट 516 किसी का भी क्यूब नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं 133 145, तो इसमें देखें अगर हम तो इसमें से जो है अगर हम डिफरेंट फाइंड आउट करें तो 152 114 कौन सा डिफरेंट होगा, तो अगर देखिए 3 3 6 7 4 2 6 5 2 7 1 8 4 1 5 5 10, देखिए इसकी टोटल वैल्यू 10, इसकी 6 5 6 5 1 6 2 8 और इसकी आ रही 3 3 6 7, तो इन तीनों का जो आपस के नंबर का सम है वो इवन नंबर है, जबकि इसका 3 3 6 1 7 8 आ रहा है, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पंक्ति में कितनी लड़कियां, 6 लड़कियां हैं, ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हैं, गरिमा रीना और अमित के बीच में है, मान लीजिए ये गरिमा है ना, रीना और अमित के बीच में, तो रीना और अमित या तो इधर अमित होंगे या रीना होंगे बेटा, या तो इधर रीना और अमित होंगे, इन दोनों के बीच में गरिमा। फिर लिखा है अमित पूजा के एकदम बाएं है, तो अमित जो है वो पूजा के एकदम बाएं, अगर आपने अमित यहाँ रख दिया तो अमित गरिमा के एकदम बाएं हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा करते हैं ये गरिमा कर देते हैं, ये अमित कर देते हैं, और अमित पूजा के एकदम बाएं तो पूजा ये कर देते हैं, ठीक है, और इधर किसको कर देंगे हम लोग, रीना को, ये रीना हो गया, ठीक। फिर लिखा है अब देखिए ये मान लीजिए लोग बैठ गए, लिखा अर्पिता रेखा के बाईं तरफ है, तो ठीक है मान लीजिए ये लोग हैं, इधर टोटल 6 लोग हैं, तो 5 और 6 बाईं तरफ बेटा अभी 2 स्थान बचे हुए हैं, है ना, तो बाएं छोर पे 2 लोग बचे हुए हैं, तो अर्पिता को हम कहाँ पे रखेंगे डिसाइड नहीं कर सकते, तो कह रहे बाएं छोर पे अंत पे कौन बैठेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि तो इधर एक ही प्लेस रहेगा कि 2 रहेंगे ये नहीं कन्फर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए पंक्ति में अमित का स्थान मिंटू के बाएं 5, ठीक है, दक्षिण की ओर बेटा जब देखेंगे तो याद रखिएगा इसमें के दाएं इधर चलता है और के बाएं जो है वो इधर चलेगा। अच्छा तो बात करते हैं कि पंक्ति में अमित का स्थान मिंटू के बाएं 5, तो मान लीजिए मिंटू है इनके बाएं 5, तो 1 इनके बाएं 5, 1 2 3 4 ये हो गए आमिर, आमिर मिंटू के बाएं 5, जो दाएं से नौ जो बोले तो मिंटू, मिंटू बेटा दाएं से कितना है, मिंटू दाएं से हो गया 9। लिखा ये अंबुज जो बाएं से 7वां है और आमिर के बाएं दूसरा, आमिर के बाएं कितना बेटा दूसरा, तो आमिर के बाएं चलोगे तो पहला दूसरा कौन है, अंबुज, यहाँ पे कौन आ जाएगा, अंबुज आ जाएगा, ये बाएं से बेटा कितना है 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, आमिर का स्थान मिंटू के बाएं 5, उनके बाएं 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे हो रहा है, चलो देखते हैं। फिर लिखा है यदि अंबुज जो बाएं छोर से 7वें स्थान पर है,
और आमिर के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये व्यक्ति 1 2 3 4 5 मिंटू के बाएं पांचवा है, तो मिंटू हो गए, मिंटू के बाएं बेटा 1 2 3 4 ओके। फिर लिखा है जो दाएं से नवा है, ठीक है, ये अंबुज जो बाएं सात और अमीर के बाएं दूसरे स्थान पर, बेटा जब ये इनके बाएं दूसरे स्थान पर हो जाएगा तो फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है इसमें ये सात नहीं, यहाँ पर बेटा आठवें स्थान पर होगा, आठवें स्थान पर, सातवें आठवें, हाँ तो बन जाएगा। देखिए ये कोई प्लेस नहीं है, इधर नौ लोग हैं मान लीजिए, इधर से नवा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक और, तो इधर से ये आठवां बन जाएगा, 3 4 5 6 7 8 आठवां। तो क्योंकि अगर यहाँ पे सातवें स्थान पे रखेंगे तो ये अमित जो अंबुज है आमिर के बाएं दूसरा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पंक्त में कितनी टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या, चलिए देखते हैं इसमें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए पंक्ति में हमें का स्थान मिंटू के पास पांचवा है। ओके 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 ठीक 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 देखिए इसमें मेन चीज है, ये मान लीजिए पंक्ति है, तो इसमें बड़ा क्योंकि दक्षिण की ओर देख रहे हैं, इधर से होता है इसमें बाएं से, और इधर से होता है इसमें दाएं से। ठीक है, तो ये है इसमें मेन है क्या, दाएं छोर से नवा कौन है, मिंटू, मिंटू जो जो बोले तो मिंटू, मिंटू दाएं से नवा, तो बेटा मिंटू हो जाएंगे इधर से, ये तो मिंटू 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 दाएं से बेटा नौ, और अमीर का स्थान मिंटू के बाएं पांच, इनके बाएं 1 2 3 4 5 ये हो गया कौन, अमीर। ठीक है, अच्छा फिर लिखा है यदि अंबुज बाएं से सात हो और अमीर के बाएं, इनके बाएं पहला दूसरा, ये कौन होगा, अंबुज, अंबुज जो कि बाईं ओर से बेटा कितना है सात, अब बन गया। तो यहाँ क्यों कितने लोग हैं, देखिए नौ लोग ये और सात लोग ये, 9 7 16 17 18 19 20 21 22 22 लोग इसमें टोटल बेटा है, ऑप्शन बी इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन उत्तर डीन है भाई, यानी क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का, राजस्थान का देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से ज़्यादा है, जो छत्तीसगढ़ से बड़ा है, जो बोले तो कौन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से बड़ा है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल झारखंड के बराबर है, ये लीजिए झारखंड के बराबर है, बिहार छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों से बड़ा है, अब इन दोनों से बड़ा है कौन, बिहार, ठीक है ये भी ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल गोवा से 500 वर्ग किलोमीटर अधिक है, तो छत्तीसगढ़ या झारखंड दोनों ही बराबर है ना आपस में, तो ये दोनों, लेकिन ये दोनों का कह सकते हो वर्ग फल जो क्षेत्रफल है वो गोवा से बड़ा है। ठीक है ओके, तो देखिए इन तीनों से ये बड़े और इन्हीं तीनों से ये लोग भी बड़े हैं, बात कर रहे हैं सबसे कम क्षेत्रफल किसका, तो गोवा का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पी क्यू आर टी ए बी में कह रहे हैं कि पी के पास, बी के पास ए और क्यू से कम कार्य है, अच्छा कह रहे हैं ए और क्यू से कम कार्य है, किसके पास, बी के पास, क्यू के पास ए से अधिक है, ठीक है क्यू के पास, क्यू के पास ए से अधिक है,
लेकिन इन दोनों के पास बी से अधिक है, पी के पास सिर्फ बी से अधिक कार है, पी के पास सिर्फ किससे है? अब देखो पी के पास सिर्फ बी से अधिक है, यानी बाकी सबसे क्या होंगी? कम होंगी, ठीक है। और क्यू के पास सबसे अधिक कार नहीं है, यानी क्यू सबसे आगे आएगा नहीं, तो जाहिर सी बात क्यू यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, कौन बचा? टी, टी आ जाएगा यहाँ पर, ये बन गया आपका, क्यू सबसे आगे आएगा नहीं। तो किसके पास तीसरे सर्वाधिक है? तो ये पहला, ये दूसरा, ए के पास आ जाएगा तीसरा सबसे अधिक, ऑप्शन ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते भाई हम लोग। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक पंक्ति में एक्स दाएं से बीसवां, मान लो बेटा ये पंक्ति है, एक पंक्ति में एक्स दाएं से बीसवां है, ले लीजिए एक्स जो है दाएं से 20 हो गया, और वाई बाएं से 48 है, ले लीजिए वाई इज 48 फ्रॉम लेफ्ट। आपस में ये अपने स्थान बदल लें तो ये यहाँ उठ के आ जाए, ये यहाँ चला गया, एक्स वन मान लीजिए वाई वन, यहाँ पे आ गए तो एक्स टू वाई टू। जब इन्होंने अदला बदली कर ली तो एक्स का स्थान दाएं ओर से 30वां हो जाता है। अब ये एक्स की वैल्यू इधर से कितनी बता रहे हैं? 30 बता रहे हैं। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करिए, इसी प्लेस की आपको दोनों साइड से वैल्यू मिल गई, बाएँ से कितनी 48, दाएँ से 30 जोड़िए 8 4 3 7 -1 77, ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 1, कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे UPSI और SSC के रिगार्डिंग। तो ये कैसा लगा टेस्ट, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, और किस तरीके का टेस्ट चाहते हैं आप, तो वीडियो हमको कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिए शेयर करिए, ओके, थैंक यू।